कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बात है? बहाने बाजी मत करो जीवनलाल, तुमने चोरी की है। चोरी? मैंने? देखो जीवनलाल, तुम कहीं कुछ भी करते मगर तुमने तहसीलदार पर ही हाथ साफ कर दिया। जानते भी हो जो हार तुमने चुराया उसकी कीमत कितनी है? 5,000 रुपए। क्या बकते हो? मैं तो मजे के साथ यहाँ सो रहा था, तुम ही आन टपके मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। डाकू तुम खुद हो खुद। किसी शरीफ आदमी घर में आधी रात को घुस आना, क्या कोई मजाक गाए? माल अपने आप दे दोगे जीवनलाल तो मैं देखूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले, नहीं तो बरसों अंदर एड़ियां रगड़ते रहोगे, समझे? अरे चलो चलो, निकल जाओ मेरे घर से। जीवनलाल, ये गीदर धोपियां किसी दूसरे को देना। मैंने बहुत पुलिस देखी है, मैं समझ गया तुम मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो। बच्चा जी, अगर तलाशी के बाद कुछ ना निकला तो बतलाओ क्या सजा है तुम्हारी? तलाशी लो। ठीक है ठीक है, मैंने भी तुम्हारे फीते ना उतरवा दिए तो यूं समझना कि सुंदरलाल का बेटा नहीं कोई राह चलते हुए की औलाद है। रहना तो इसी कस्बे में है ना बच्चा जी, मैं सारे इंस्पेक्टर निकाल दूंगा तुम्हारी। दो चुप रहे। अंदर कुछ नहीं साहब। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ जीवनलाल, माल कहाँ है सच सच बताओ। सच इधर है। हरामखोर कुत्ते। धर्मो मैं उसका खून भी जानता हूँ। छोड़ यार, लाइट छोड़ छोड़ दे, मुझे इस पिल्ले से हिसाब बराबर कर लेने दे। सीता, मैं तुझसे कहता था ये मेरा नहीं आए, न जाने से तू कहाँ से मार। राहत करी, मैं चोरी का माल लेकर आता हूँ। एक एक की छुट्टी न करवाती तो जीवन लाल ना होगा। वल्द सुंदरलाल, तुम्हें ताजी रातें हिंद की रूह से जेर दफा 353 और 372 के जुर्म में 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। अच्छा भाभी, तू जो कुछ कहे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तेरा मकान रहन रखना ये अच्छा नहीं होगा। कल को बाबा जीवनलाल आएगा तो मेरे सर पर ढोल जाएगा। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, इसका वचन मैं देती हूँ। एक बात कहूँ? तुम मकान के बदले अपनी जमीन? नहीं लाला जी, नहीं, जमीन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, वो तो पितरों की निशानी है, ऊपर से देखेंगे तो क्या कहेंगे। जमीन, जमीन तो किसान की माँ, कोई माँ का भी सौदा करता है? कल बेटा बड़ा होगा, किसकी भलाई कराएगा, कैसी फसल काटेगा, क्या उगाएगा? तो मुझे मकान पे दे दो जो देना। सोच लो धर्मा जी। मां, हाँ हाँ सोच लिया सोच लिया, मैं पहला हिसाब निकाल लूंगा। जन्म का जब मिलते हैं एक दूसरे के बाल नोच से काटते फिरते हैं। पता बहन,
पिछले जन्म में संबंध था या आओ जाओ रहन रहनामा तैयार आई आई आओ चौधरी अंगूठा लगाओ और पैसे ले जाओ स्टैंप बाद में देखा जाएगा क्यों लाला जी मुनी मुश्किल तेरी मेरी
हो मेहनत चमकी खेत में चांदी चमकी रेत में मेहनत चमकी खेत में चांदी चमकी रेत में धरती ने सोला सिंगार आज फिर सावन आयो रे सावन आयो रे आयो रे आयो रे सावन आयो रे सावन आयो रे भागी जाए जवानी जो बादल की छाया जो बादल की छाया हम हैं बाला बन के प्रेमी क्यों हमको तरसाया हो बांध ले बंधन प्रीत का मान ले कहना मीत का धरती ने सोला सिंगार आज फिर सावन आयो रे सावन आयो रे आज फिर सावन आयो रे सावन आयो रे आयो रे आयो रे सावन आयो रे सावन आयो रे सपने के सपने गिर पड़े दूर हुए अपने किया धरती ने सोला सिंगार आज फिर सावन आयो रे भगवान की दया है भैया भगवान की दया से तो सबूत हाँ हसरी आए धर्मा जवानी की गुदगुदी है जवानी की नहीं राजू काका फसल की किसान पे जवानी तो आती उस वक्त है जब उसकी फसल पके है फसल तो अपनी भी पकी धर्मा पर जवानी मैं कुछ नहीं जानता चौधरी मुझे अपने पैसे मिलने चाहिए वरना मैं जमीन ले लूंगा मैं आपका देनदार हूँ लाला जी जो उगे पगे सब ले लेना अगर एक वक्त की रोटी का अनाज छोड़ना चाहो तो छोड़ देना मगर मेरी जमीन मुझसे न लो लाला जी मगर मेरी जमीन मुझसे न लो बुधाई को तो तुम्हारे पैसे से इनकार नहीं है मालिक राम इनकार इनकार और क्या होता है चौधरी अरे आज 5 साल हो गए मूल तो मूल की जगह रहा आज तक इसने ब्याज भी नहीं दिया देवी कैसे चाचा जब ब्याज ही मूल पर भारी हो जाए वो तो होगा ही बेटा आखिर व्यापार है लेकिन इस गरीब के साथ तो व्यापार मत करो चाचा सूद पर सूद मत डालो नहीं तो बेचारा उसके बोझ के नीचे दबकर मर जाएगा मर जाएगा अरे मारने वाला मैं हूँ या भगवान भगवान के बाद दूसरा नंबर तो धनवान का ही आता है वो कैसे देखो चाचा जब आदमी मरता है तो भगवान के पास जाता है ना जाता है जब जीता है तो तुम्हारे पास आता है ना अरे जब मुसीबत पड़ेगी तो आएगा ही और तुम 2 नंबर के भगवान उसकी मुसीबत दूर करते हो ना वो तो करूंगा ही हाँ पर उसकी पहली मुसीबत जाती नहीं उस पर दूसरी मुसीबत आ जाती है वो भी बता डालो बेटा तुम्हारा सूद 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 ही नहीं सूद पर सूद उस पर भी सूद अरे पर वो तो होगा ही बेटा और फिर सूद देते देते उसके पास कुछ नहीं रहता जमीन ना मकान फिर तुम 2 नंबर के भगवान उसकी मदद के लिए पहुंचते हो ना चाचा पहुंचते हो और फिर राम नाम सत्य वो 1 नंबर वाले भगवान के पास सीधा पहुंच जाते अरे
सबके सब मिल गए इस लोनिहार में, ये इंसाफ है? आखिर तू चाहता क्या है? चाचा सूद लो, सूद पर सूद न चढ़ाओ, तरस खाओ इस गरीब पर। बिजली गिरने से इसका जवान बेटा कोयला हो गया, अब तो हाथ बाजू भी न रहे बेचारे के। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, अब न तो ये जमीन बोएगा न ब्याएगा तो मेरे पैसे का क्या हो? इसकी फिक्र मत करो चाचा, इसका बेटा कोयला हुआ हम तो राख नहीं हुए, हम सब मिल जाएंगे। हाँ, खेती भी आएंगे। आएंगे। हम लाला का कर्जा चुकाएंगे, हम लाला का कर्जा चुकाएंगे। अब तो तुम्हारी तसल्ली हुई ना मालिक राम? चौधरी मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ थोड़े ही गिनने। चलो भाइयों, हो गया मुकदमे का फैसला। हाँ भाई हाँ, हो गया बहुत अच्छा। चलो मुनीम जी। धर्मा बेटा, मैं मरते खपते कैसे भी लाला का कर्ज चुका देता, पर मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? कैसी बातें करते हो काका, बेटे का भी कभी बाप पर एहसान हुआ? सुखी रहो धर्मा बेटा। मैं गांव में बस यही देखने आई थी धर्मा, तुम जैसे दो चार और हो जाएं तो देश की काया ही पलट जाए। ये क्या कह रही है डॉक्टर जी, हम तो फिर भी इधर के हैं, कुर्बानी तो आपकी है जो आपने अपना घर बार अपना शहर छोड़कर हम गरीबों के पास चली आई। मैं आप ही के पास आ रहा था। माँ जी के लिए? जी हाँ। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, उन्हें कल सुबह भेज देना। अच्छा। अरे ओ गोरी, ओ गोली बंदूक की, तू लुच्चे सोते, फिर तूने मेरा नाम बिगाड़ा। हाँ, क्यों तूने मुझे आम मारा? आम नहीं तो गिलटू मारे तुझे। लोगों को आम खाने का शौक होता है और तुझे मोर खाने का शौक है। डैन चुड़ैल, आ नीचे, तेरी हड्डियां ना तोड़ दी तो। तू आ ऊपर, तेरा बुढ़ता ना बना दिया तू। ये लड़की है या शीतला का खो है? आ रहा है, देख मत भूल, सारा पेड़ कच्चे आमों से पटा है। ऐसे मारूंगी सुराख कर दूंगी बदन में। देखता हूँ सुराख मैं करता हूँ या तू। रुक जा मैं कहती हूँ। अब बेला नहीं है रुकने की। खबरदार जो मेरी ओर आया। हाँ, आज मैंने भी फैसला कर लिया, इस गांव में तू रहेगी पिछल पैरी या मैं रहूंगा। तू ही नहीं रहेगा जमदूत, भूतों के भूत। अरे अरे, कच्ची डाल है धर्मा, टूट जाएगी। टूटने दो चाचा, आज मैं तो खत्म होऊंगा, इस साथ में इसे भी खत्म करूंगा। अब कहाँ भागी जा रही है छिपकली? मैं छिपकली नहीं, तू केचवा है, केचवा लड़की से डरता है। मैं डरता हूँ? अरे अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। रुको, अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। अरे रुको, अरे रुको। अब भाग के कहाँ जाएगी तू? खबरदार जो मेरे पास आया और गंदे हाथ लगाया मुझे। आज मैं लात लगाऊंगा, लात। अरे जा, बड़ा पहलवान बनता है, शक्ल तो देख हंसी आती है। तू अपनी देख रोना। हरामखोर, शर्म नहीं आती, लड़की पर जोर दिखाता है। लड़की? हंसा क्यों है? हंसू नहीं तो क्या, तू तो लड़की है ना लड़का, तू तो वो है बीच वाली। कौन कहता है? सारा गांव कहता है। नाम लेते क्या तेरा मुंह फूटता है? अरे मैं कोई डरता हूँ, उस दिन बैतराज जी बोल रहे थे। बैतराज जी? हाँ? चल कर पूछवा। चल। पैर की धड़कन तो बराबर चल रही है। बुखार भी नहीं है। तुम्हें बुखार नहीं है, तुम पर देवी माता चढ़ी हुई है। देवी? आप क्या होगा? लड़का होगा, मरता क्यों है? ले जा, मैं अभी बुलाता हूं देवी माता को। छू, देवी माता आ जा तू। छू मंत्र, छू मंत्र, छू देवी माता आ जा तू। छू मंत्र, छू मंत्र, छू। अभी लेती हूँ उस बेतराज के बच्चे की खबर। हाँ बिल्कुल ले लीजिए। चल अंदर। चल अंदर। मैं क्यों जाऊं? गरज तेरी है, तू जाके पूछ। ठीक है, तू यही ठहर, मैं भी पकड़ के लाती। तेरी माता आ जा तू। छू छू आ, छू छू आ। आ गई, आ गई देवी, आ गई
देवी माता आ जा तू, छू छू आ छू छू आ तू। बैठे बच्चे। गोरी। गोरी। तूने मुझे सारे गांव में बदनाम कर रखा है। क्यों? अरे बचाओ, बचाओ बेटा राम और श्याम। राम और श्याम। आए बाबू। हम इंजेक्शन दे रहे थे। क्यों? तूने धर्मा से कहा था ना कि मैं ना लड़की हूँ ना लड़का। छोटे गोरी, बापू को तो अपना ही पता नहीं कि ये मर्द है या औरत। अरे तू चुप कर, तू तो गांव के साहूकार की बेटी है, तेरे बारे में ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, बापू तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। छोटी बहू। तेरा बाप की बहू। अच्छा, बड़ी बहू। अच्छा, तुम दोनों कर अपना मुंह धो के आ। हाँ हाँ, अभी धो के आ। वैद्यराज, अरे वैद्यराज, ये क्या मुश्किल कर रहा है? इसका इंजेक्शन दे, रहने दे। ये मेरे बेटों का इंजेक्शन है, ये बहुत देर तक बदन में रहता है। अरे ये कोई वैद है? चले देखा वैद बना है ना? पढ़ा है ना लिखा, ना कहीं परीक्षा दी। परीक्षा तो मैं लेती हूँ अभी की। क्या बात है यार, तूने नहीं कहा? अरे कहाँ है धर्मा? अरे गोरी, वो तुझे उल्लू बनाकर चला गया। छूटा धोखे पास। मैं भी देखती हूँ, उसने मुझे उल्लू बनाया कि मैं उससे। अरे 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 भैया, ये क्या? मीना खबरदार अंदर की। तो हाय रे भैया, फिर तू चल गया हाथ से उस कोड़ी नकोड़ी के। कई बार कहा उसका रास्ता मत काटा कर। मैं नहीं माँ, वो सौ कोस से घूम कर रास्ता काट दिया मेरा। मैं तो चुपचाप आ रहा था काम से, और मिलते पेड़ के पास देखा कितनी जोर से मारा। मारा फिर मारेगी नहीं तो क्या करेगी? कोई प्यार करता है तभी तो मारता है ना। ठहर जा मीना की बच्ची। प्यार करता है ना। छोड़ धर्मा उसे, और मैं तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ कि तू गोरे के साथ मत लड़ा कर। तू जानता है वो लाला की बेटी है और हमारा बाल बाल जिंदा है उसके। माँ होगी लाला की बेटी, लेकिन वो चंडा समझ। क्या कहा तूने? गोरी मरद है तो क्या? फिर माँ इसे रोक ले, ये फिट जाएगी, खून हो जाएगा इसका। मैं पीऊंगी तेरा लपड़ लपड़, पोटियों को की चपर चपर। मैं जमाऊंगा चपर चपर। अरे जा जा, बड़ी हमीदा पहलवान आई, आए कोई काम आ ले जाए इस गांव से प्लेट को। क्या कहा है इसे के तोड़े? अरे जा जा चुड़े, आज मैं तेरा सिक्की बोली तो। माँ, माँ तू सोई नहीं? सो जा माँ। अब तो सुबह का तारा भी दिखने लगा, तेरे बापू अभी तक नहीं आए। बड़ी बड़ी महफिल देखी, मगर तुम्हारा जवाब नहीं चमेली भाई। चमेली मेरी नहीं। जमींदार साहब, ये सब आपके जीवन का सदका है। वाह क्या बात। अच्छा जीवन लाल, अब हम आराम करेंगे। जरूर जरूर सरकार, आराम करने से जी हल्का होता है। मैं इन सबकी छुट्टी के देता हूँ। उठो भाई उठो, चलो 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 उठो, उठो। अरे सुनो जीवनलाल, मैं दो दिन में बाहर जा रहा हूँ जरा लंबे अरसे के लिए। मेरा वो डॉक्टरनी वाला काम किया। क्या बताऊँ सरकार, जेब में हो माल तो फिर काहे का काल। ये रहा, अब आप देखिए मैं कैसा जादू जगाता हूं। तू सोई मरी नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊं? हाँ
खाना खाया तू ना? नहीं। जादेरी, कितनी बार कहा है कि मैं देर से आऊं तो खाना खा लिया कर, लेकिन तू तू भूखी रहकर अपने मर्द को सूली बचाना चाहती है। सूली माँ वह ताची पे पैसे रखे हैं, डॉक्टर जी के पास चली जाना। मैं ठीक हूँ। क्या मतलब? कहा ना मैं ठीक हूँ, अरे पैसों की जरूरत है, मीना के ब्याह का भी कुछ करना कि नहीं। लेकिन माँ तेरी जान ज्यादा जरूरी है या इस लौटी का ब्याह? है क्या, कहाँ भी है, इतनी जल्दी बड़ी मत हो, यूँ हाथ पैर मत निकाल, मत फैल गोभी के फूल की तरह। और तो अपने आप को तो देख, सर बाद में घुसा जा रहा है। हम मर्दों का सर होता ही ऊंचा है, यही नीचा कर देती हैं बहने और बेटियाँ। तू नहीं जाएगी माँ? नहीं, नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ तो पैसे नहीं है माँ। वही होंगे रे, मैंने तो नहीं दिए। अरे गोरी, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, माँ जरा बीमार हो गई है ना, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज तू जा और रोटी दिया भैया को। मैं और उस गुंडे को रोटी देने जाऊं? गोरी, तू सच में कितना प्यार करती है भैया से? प्यार? मैं तो उस पर थूकती भी नहीं। थूक? ये झगड़ा किस बात का है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो उस दिन खुश होंगी जब वो कोई दूसरी ब्याह कर ले आएगा। अच्छा, तू कहती है तो ले जाती हूँ। ना बाबा, अगर उसने मुझे मारा तो? अरे तू उससे बात ही मत करना, रोटी रखना और चली आना, बस जा जाना। अपने भैया से कि खाना खा ले, कहते अपने सगे वाले से खा ले नहीं तो भूखा मर जाएगा, कहते अपनी जात वाली से हम इसका छुआ नहीं खाते। तू भी कह दे, खाना है तो खाए नहीं तो खड्डे में जा। खड्डे में जा तू, तेरे बड़े, तेरा पूरा कुल, तेरा सारा खानदान, पिछले अगले सब बेशरम बेहया, भूल गया उस दिन की मार को। अरे चार, मैं तेरी मुंडी उड़ा दूं, घर की चौखट पे लटका दूं। बड़ी आई लाला की बेटी। मैं तुझे टुकड़े डालने को आऊं और तुम मुझे ही काटने को दौड़े, कुत्ते? क्या कहा, मुझे कुत्ता कहा? तेरे बाप की रोटी है। हाँ हाँ, मेरे बाप की रोटी है। ठहर जा, अभी बताता हूँ किसके बाप की रोटी है। अरे जा जा, अरे आज तुम्हें फैसला कर दूंगा। अरे कहा बाकी था?
तुझे कुएं में फेंकता हूँ, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। अरे जा जा, आज मैं तुझे जिंदा जला दूँ, तेरा भाई तो कर दूँ, अरे तू मुझे फांसी लग जाए तू। छोड़ मुझे, छोड़ ना। मार मार, अब मार ना। गौरी, अरे वाह गौरी, आप क्यों आता है मेरे पीछे? कमाल है, जमीन भगवान की, मुल्क कांग्रेस का, झांसी में आए मैं जाऊं? अच्छा तो फिर अब जा। छी छी छी, अरे अगर मैं तेरे आगे गया तो तेरी बदनामी ना होगी, लोग कहेंगे तू मेरे पीछे पड़ी है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, पहले मुझे मारा अब पछताता है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता, माफी मांगना चाहता है। हाँ हाँ, माफी मांगने से इंसान कोई छोटा थोड़ी हो जाता। चल इधर, माफी मांगो। आहा, माफी मांगनी है तुझे और मैं तेरे पास आऊं ना के माँ? अरे माफी ना हो, सरकारी लगान हो गया जो तहसील में जाके देना पड़े। चल तू इधर आ। नहीं आती है? एक जबरदस्ती माफी मंगवा रही, ऊपर से ध्वज जमा रही हो। हाँ हाँ, ध्वज जमाती हूँ, आता है तो आ, नहीं तो मैं जाती हूँ। नहीं तो मैं जाती हूँ। अरे जाना है तो जाओ, अरे जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। नखरे किसी के उठाएंगे नहीं, नखरे किसी के उठाएंगे नहीं। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं। कदमों पे सर को झुकाएंगे नहीं, कदमों पे सर को झुकाएंगे नहीं। खाना है तो आओ। देखी है देखी है देखी, देखी है देखी है तेरे जैसी कितनी छोरियाँ। मरती है मुझ पर सारे गांव की गोरियाँ। अरे भुद्दू है जयपुर को क्या दुल्हन लाएगा, लगता है तू कुंवारा मर जाएगा, लगता है तू कुंवारा मर जाएगा। हम कहें और क्या, तेरा भैया खड़ा तुझे नजरों में उसकी गिराएंगे नहीं, नजरों में उसकी गिराएंगे नहीं। अरे समझे, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। नखरे किसी के उठाएंगे नहीं, नखरे किसी के उठाएंगे नहीं। जाना है तो जाओ। कोई मदारी ही तुझको ले जाएगा, कस के मारेगा डंडे न जाएगा, कस के मारेगा डंडे न जाएगा। अकल मोटी तेरी, नाक छोटी तेरी, मेंढकी को तो मुंह हम लगाएंगे नहीं। छी छी, मेंढकी को मुंह हम लगाएंगे नहीं। ए, जानना है तो जाओ, कदमों पे सर को झुकाएंगे नहीं। जा, जाना है तो जाओ। ये तो मैं जानता हूँ डॉक्टर जी, रात हो गई, लेकिन मजबूरी का सवाल है। जमींदारनी साहब की हालत बहुत खराब है, अगर आप वक्त पे ना पहुँची
तो शायद वो मर जाए। मैं तो चलती मगर आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, जिस तरह ले जा रहा हूँ उसी तरह वापस छोड़ जाऊंगा। उन्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ वो कुछ उनका कुछ दिल मालिश कर रहा है, कुछ जी कच्चा कच्चा हो रहा है और कहती है कुछ उपकाइयां होती ना, उपकाइयां आ रही है उपकाइयां। जमींदार की तो कोई बीवी नहीं बापू, तो बुलवा कौन रहा? क्या जमींदारी तो कहा था मैंने, और मैंने क्या कहा था? कुछ तो गांव की इज्जत का ख्याल किया होता बापू। ठीक है, डॉक्टर ने नहीं जाना तो ना जाए, जमींदार जाने उनका काम जाने, मुझे मुझे, मुझे इसमें क्या लेना है। ये थे तुम्हारे बापू? बहुत कोशिश की समझाने की, सारे गांव ने कोशिश की, और मेरी तो जबान बंद है, बेटा हूं ना। ये कैसे बंधन है? बेटा अपने बाप से कुछ नहीं कह सकता, पत्नी अपने पति से कुछ नहीं कह सकती, तो मैंने आपको जो कुछ भी कहना हो मुझे कह लीजिए, ये बात किसी और को मत कहिएगा। परसों मीना की सगाई है, राम राम करके बड़ी मुश्किल से एक भला आदमी मिला है, जिसने कहा बाप के अपराध में बेटी का क्या दोष। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। ये क्या कह रहे हो धर्मा, मैं तो खुद तुम्हारी आभारी हूँ। डॉक्टर जी खैर, अरे तुम तो माजी के लिए दवाई लेने आए थे ना, ठहरो अभी लगती। बड़ा सुंदर जोड़ा दिया भैया जी, बेटी की इज्जत ढांकने को, और गले का हार भी। तुम्हारी बेटी है बहन तो वो हमारी भी बेटी है। समझे जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। बैठ। बस यूं समझिएगा, लड़की की लड़की है। बेटी से बड़ा धन नहीं बहन, और इस धन से बड़ा दान नहीं। बस आप लग्न की तारीख बता दीजिए। बस नवरात्र निकलते ही कर दो, क्यों पंडित जी? ठीक छू बेटा, मैं जरा बस के अड्डे पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा, राम राम बहन। चल चल आओ, बधाई हो बेटा भाई। बधाई हो। बस भैया मैं तो ये चाहती हूँ बेटी अपने घर जाए, और मैं आके मैं लुबान रेंग दूँ, गंगा नहाऊँ, न जाने क्या क्या करूँ। अच्छा, राम राम। और जब चली जाए तब रो क्यों माँ? सो तो है ही बेटा, और ठीक भी है, हम गरीब लोग कम काम क्या होगा। चाची बेटी जाएगी तो बहू आ जाएगी, वो अपने भाग साथ ले आएगी बेटी, और तब तक भैया। अरे तुझे क्या हुआ? अरे ये तो हाई रोना, चिड़िया के बच्चे जितना तो दिल है। तेरा तो सेब ही का है ना? हाँ है गीदर। ओ माँ भगवान, कब इसकी शादी होगी, कब ये गांव से तफान होगी? तेरा क्या बिगाड़ रही है, क्या पता इसी गांव में इसकी चिता जले। चाची मैं तेरी डोली की अर्थी बनाऊंगा, आप ही कांधे पे उठा के उसे शमशान। अरे राम तू क्यों उसको मुंह लगाती है? मैं काम को लगा दिया चाची, जब देखो। अरे नहीं माँ, ये लगाती है, ये गोरी गांव की गंदी मोरी। हाय हाय हाय, तुम दोनों मुझे बहुत सताते हो। चाची मैं नहीं लगाती हूँ। मालकिन इस बुद्धू से हिसाब लाना मेरे बस का रोग नहीं, मेरा तो ये दिमाग चाट गया, आप ही से हिसाब लो। मुनीम जी आपको हिसाब लेना ही होगा, जाइए। चल मेरे बाप, चल। राम 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 राम। चल बैठो, लाला जी घर पे ही है ना? चल लिखो लिखो, डुबाएगा कुछ है, लिखो। याद है दो 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 आने का बनिया, दो आने का बलि धनिया, दो होने का धनिया, चार आने का बैंगन, चार आने का बैंगन, आठ आने के अंडे, आठ आने के अंडे,
अंधे ठंडे 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 तुम्हारा भी जवाब नहीं है मुझे। मैंने हजार बार तुमसे कहा कि अनपढ़ मर्द और सुंदर नारी से हिसाब नहीं मांगना चाहिए। क्यों गोरी कुमार? चलो हटो। कहो कैसे आई? तुमसे कहा था ना चाचा, आदमी जीता है तो तुम्हारे पास आता, आ गया ना? तुम फिर आ गया मुझसे मजाक करने? मजाक? तुम्हारी कसम चाचा। दान पुण्य की बेला है भैया जी, बेटी के ब्याह की बात है, जिसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे कहाँ है भाभी, तू तो जानती है कि मैंने कभी तुझे ना नहीं, जब भी तू आई अंगूठा लगाया और पैसे लेकर चलती। लेकिन अब तो तिजोरी खोलता हूँ तो वही अंगूठों के निशान आंखें बंद बंद कर घूरते। पर बेटी की बात है, गांव की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो भाभी ऐसा करो, मैं जमीन पर कर्जा दे सकता। नहीं 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 चाचा, जमीन पे नहीं। जमीन जाती है तो एक बार का कर्जा उतारती, फसल 100 बार का। हाँ मगर अब की पैसे मिलेंगे तो जमीन पर ही। तुमसे कौन बात कर रहा है मुनीम जी? चाचा क्या खुद मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते? वो क्या बेवकूफ है? क्यों चाचा? हाँ हाँ, तुझसे हजार बार कहा कि मेरी बात में टांग मत अड़ाया कर। बेटे फसल कितने की होगी? यही कोई 5-5.5 हजार की, लेकिन हमें सिर्फ 2 हजार चाहिए। दो मुनीम जी, लाला जी दे 2 रुपए। लड़की का सवाल है, इसमें थोड़ा गम भी खाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अब तो खुश हो भाभी? आपकी बहुत हो गई आप वाली हैं? अरे लकड़ी ला भाई। अरे लड़की ला भाई लड़की। क्या बोला? लकड़ी लकड़ी। पकड़ नहीं तो मैं भी सूख जाएगी। तुझे किसने आने दिया? किसने तुझे आने दिया? अरे मेरी बहन की शादी है उल्टी गंगा। मेरी भी सहेली की है औंधी खोपड़ी। बहन बड़ी होती सहेली? सहेली पूछ ले अपनी बहन से। हाँ हाँ पूछ ले, चल बोल। सहेली क्या मतलब? भैया बड़ा होता तो मिठाइयाँ बांटता, खुशियाँ मनाता अपनी बहन को घर से बाहर निकालने के लिए। मीना? ना मीना ऐसा मत बोल, ये तो रीत है। एक दिन तू भी किसी रोती चिल्लाती को उठा कर ले आएगा। अरे मैं तो उसे सर आँखों पे बिठा के रखूंगा। चल हट छूटा, उस वक्त सब खुल जाएगा। तुम मरद लोग होते ही है चोर और दगाबाज। देख ले मीना, इसे रोक ले, आज फिर पिट जाएगी मेरे हाथों। अरे जा हाथ तो लगा के देख, बड़ा आया सेठ का बच्चा। इसे रोक ले मीना, देख मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। मैं क्या रोकूं भैया, ये तुम्हारी कोई आज की लड़ाई है? तुम दोनों का फैसला तो एक दिन भगवान ही चुकाएगा। और ले आ कोई जज मजिस्ट्रेट। जज मजिस्ट्रेट? अरे मैं तो तेरे लिए कोई बूचड़ कसाई लाऊंगा, जो तुझे ब्याहेगा, रखेगा ना बसाएगा। और तू रोती चिल्लाती, सर पे खा मुंह पे राख डालती हुई लौट आएगी अपने बाप के घर। सुना इस काली जबान वाले को, क्या कुछ कह गया आज मुझसे? तूने क्या कम कहा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बस खड़ी सुनती रही। कोई लड़का किसी लड़की से ऐसी बातें करता है क्या? मेरी समझ में तो ये सब प्यार की बातें हैं। प्यार की भाषा ऐसी होती है क्या? तेरा भैया पत्थर है पत्थर, प्यार करने के लायक ही नहीं। नहीं गोरी तू नहीं जानती, भाई तो मेरा है ना, मैं उसे जानती हूँ। अरे ऊपर ऊपर से ऐसे कहता है, कल सला उसे पता चले कि कोई तेरी और देखता भी है तो आके निकाल ले उसकी जान ले डाले। क्या है? कुछ नहीं। हंस रही हो? कुछ बात तो है जरूर राम कृष्ण। सबके सामने थोड़ी बताती हूँ।
अरे मुड़ के किसे देख रही हो गोरी? घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आने वाला। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे इसी मजाक ने तो हमें लिया बाहर। भागोगी गणेश, कहाँ तक जाओगी तुम? और न तरसाम मेरी जान, प्यास तो बुझाने दो, प्यास मैं तेरी बुझाता हूँ। ये शर्म, तुझे शर्म? तू हंसती क्यों है? तू हंसती क्यों है? बताती हूँ, इसलिए इसलिए कि तू जो है ना बुद्धू। क्या करता हूँ? अरे जानमन, मैं तुम पर जान निछावर करता हूँ। झूठे कहीं के बड़े मतलबी हो। चावेली, मतलबी कौन नहीं होता? देख, देख मैं तेरे लिए क्या बनवा के लाया हूँ। ये कुछ बात हुई, अरे जरा देखू तो। क्या तू यहाँ क्यों आया है? बापू, जेवर लेने आया हूँ। जेवर? ये कुछ सुनार की हाट है क्या? थी तो नहीं, तुमने बना दी। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, ये घर नहीं है, कोठा है कोठा। यहाँ बाप और बेटा मिल जाए तो आसमान से बिजली गिर जाया करती है। तुम्हें इस बिजली का डर है बापू? उस बिजली का नहीं जो हम पर गिरने वाली। ये जेवर समधियों के हैं, अगर दहेज में दिखाई ना दिए तो बारात वापिस लौट जाएगी, लड़की हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी। मेरी कोई लड़की नहीं है ना कोई लड़का है। अगर होते तो तुम्हारे नाना अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम लिखकर नहीं मर जाते, और तुम और तुम्हारी माँ सांप बनकर उस पर नहीं बैठ जाते। जमीन जायदाद जो कुछ लेना ले लो बापू, पर ऐसा अनर्थ ना करो। गाय हत्या कमाओ पर बेटी का धन मत खाओ, इससे बड़ा दुनिया में पाप कोई नहीं। तू मुझे पाप और पुण्य सिखाने के लिए आया है? इंसान दुनिया में क्या क्या बुराइयां नहीं करता, पर एक बार उसकी आत्मा जग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जा, निकल जा, निकल जा यहां से। मुझे माफ करते नंदी, हम तेरे लायक नहीं। Good.
बंद करो ये मंत्र, रोक लो ये शादी। चलो प्रेमनाथ, हमें ये शादी नहीं करनी है। पिताजी, 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 कुछ नहीं, ये लगन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझी साहब? समझी गया भाड़ में। दया करो समधी जी, दया करो। समधन, मुझे ये दहेज ले जाकर बिरादरी में अपना मुंह नहीं काला करवाना है, दुनिया को अपने आप पे नहीं हंसाना है। चाचा, चाचा लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों ही को तो मुझे दिखाना है। चाचा, चाचा हमारी इज्जत रख लो। अरे हटाओ इसको। कभी ये भी सुना था कि लड़की वाले आप कुछ न दें और लड़के वाले ने जो जेवर कपड़ा दिया हो वो भी गायब कर दे? 300 रुपया कमाता है मेरा बेटा, ये बोल डाला है तुम लोगों ने? दामाद बहनों ही तो करोड़ों की चीज है, इसका इसका भी कोई मोल होता है? तुम उसे वो न करो धर्मा, मैं बहुत तेज़ आदमी हूँ। चलो उसने मुझे समझाता है, मैं आपको मच्छर की तरह पीस दूंगा। भाई साहब मैं आपको समझा हूँ, मैं उसे जेल भिजवा सकता हूँ। हमारे गहने देती हो या हम बारात वापस ले जाएं? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने जेवरों के बदले मेरे जेवर ले लीजिए, लेकिन बारात वापस ना ले जाइए, नहीं तो गांव का मुंह काला हो जाएगा। अजी होता है तो होने दीजिए ना, लाओ तो वही जेवर लाओ, नहीं तो मैं बारात वापस ले जाती हूँ। समदन जी, अजी छोड़िए ना। समदन जी, समदन जी, सब देखा। अब क्या होगा जमना बहन? क्या बताओ बहन, अब तो वही पहुंचे जिसने द्रौपदी की लाज बचाई। तुम्हारी अमानत। क्या? जेवर। प्रार्थना करो तो दो अक्षर मुझ पापन के लिए भी कह देना। बेटी, मौसी, बरसों पहले भी एक बारात आई थी और लौट गई, तब मैं कहां थी और अब कहां पहुंच गई। यूं लगता है जैसे आज एक बार फिर मेरी बारात लौट रही है। तुम तो देवी हो, देवी, हर औरत देवी होती है मौसी, लेकिन उसे धर्मा जैसा भाई तो मिले। ठहरो ना, तुम भी शर्म को। नहीं मौसी, मेरी जगह तो वही है जीवन के पिछवाड़े में, जहां रोशनी नहीं अंधेरा है, मेरी मेरी तो छाया भी किसी पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर पता होता तो मैं इन चोरों का रिश्ता ही मंजूर ना करता। रुक जाइए चाचा, आपको जेवर चाहिए थे ना, ये रहे आपके जेवर। ये रहे? पहले कहां थे? खो गए थे कहीं जीवन के अंधेरे में। ये सब झूठ है। समधी जी, ये झूठ सच की बात अब भूल जाइए, लौट चलिए। ये इनकी नहीं सारे गांव की इज्जत का सवाल है महाराज। कसूर इनका है, लेकिन हम आपसे माफी मांगते हैं। ला बेटा मुझे देख, सारा झगड़ा जेवर का था ना, सो मिल गए, अब मान भी जाओ। अच्छा तुम कहती हो तो ये हुई ना बात, समझी थी? जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं। बेटा आओ, बेटा तेरे तो सेन आई। चलो अपना, चलो आ रहा हूँ, शादी करो।
अरे तुम बाहर जाने वाले थे ना? यमुना, ये अपनी गोरी कितनी बड़ी हो गई। लो, तुम्हें आज दिखाई दी, मैं जो बरसों से कह रही हूँ। पर मुझे इतनी बड़ी कभी नहीं लगी जितनी के आज, खासकर जीवन लाल की लड़की को विदा करने के बाद। शुक्र है भगवान का जो तुम्हें भी फिक्र हुई, कहीं नजदीक ही हो जाए। दूर का लड़का मत देखना, दूर का लड़का मत देखना। ये क्या है? अंधा है, दिखता नहीं। रोटी? हाँ हाँ, आँख वाली। मगर तू क्यों लाई है? माँ घर बीमार पड़ी है, बहन विदा कर दी। और क्या कोई जर है तेरे घर? क्या मैं खुद नहीं जा सकता था? काम भी खुद करेगा, रोटी लाने भी खुद जाएगा। जोरू नहीं लाएगा? लाऊंगा, जब जरूरत होगी। अब जरूरत नहीं? नहीं, ठीक है, मैं रोटी वापस ले जा रही। ए गोरी, अरे ओ, फिर लगा मेरा नाम बिगाड़ने। बिगाड़ बिगाड़। अरे कहाँ बिगाड़ा, वही तो लिया है जो है। अच्छा आप बोल, खाना खाएगा या गाली? दोनों, तेरी कसम बड़ी भूख लगी। चल शुरू हो जा। अरे कुछ मजा ही नहीं आ रहा। ए गोरी, तू जानती है तेरी गाली तो ऐसे होती है जैसे रोटी के साथ प्याज। अब मैं तुझे कभी गाली नहीं दूंगी। क्यों क्यों? क्योंकि तुझे गाली ही अच्छी लगने लगी है। तू उल्टी खोपड़ी का है ना, तेरे साथ उल्टी बात ही ठीक है। क्या उल्टी बात? तू प्यार मांगे तो गाली, और गाली मांगे तो? तो? तो कुछ नहीं। प्यार मांगे तो गाली, गाली मांगे तो? गाली मांगे तो प्यार? ए गोरी, ए गोरी, अयो गोरी, ए गोरी, ए गोरी, गोरी, मुझे मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे वही वही। क्या? जो होता है। क्या होता है? चल, जैसे कि तुझे पता ही नहीं। मुझे तो नहीं पता, तू जानता है तो बता। पहले पहले तू बता। तू बता। तू 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 देख, मैं पहले ही दुखी हूँ, मुझे ज्यादा न सता। बस बस बस, जो दुख तुझे है ना वो दुख मुझे भी है। अगर अगर दोनों के दुख मिल जाए तो कितना बड़ा सुख हो जाए। जो तुझे लगी है ना वो मुझे भी लगी है। तुझे क्या लगी है? अरे बुद्धू है तू, आग। आग लगी होगी तुझे, मुझे कोई आग बात नहीं लगी। चल झूठी, तेरी ये धुआं धुआं आंखें, बिना आग के धुआं थोड़ी होता, बिना बादल के बिजली थोड़ी चमकती है। आ गरीब। अरे चाचा देख, धर्मा मांग पी रहा है। अरे आमो तुम, आज इसकी गलती कैसे बच गई? किसी ने रस्सी खींची होगी। ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिजुरिया। वाह वाह वाह, तोहार जवाब नाही। बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, ओ बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके।
कैसे चमके कोई पूछ रे हमसे, कैसे चमके कोई पूछ रे हमसे, वो बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। बैठे हो जब मीठे सपने सजाई के, सपने सजाई के, ऐसे में होले से पास कभी आई के, जो बिछवा बजाई दे कोरी छम से कसम से, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, कैसे चमके कोई पूछ रे हमसे, बिना बदरा के बिजुरिया ऐसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। गोरी नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मुस्काए घुंघटा में मुखड़ा छुपाई के, तो मर जाए हम तो कसम से, बिना बदरा के बिजुरिया ऐसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया ऐसे चमके, कैसे चमके कोई पूछ रे हमसे, बिना बदरा के बिजुरिया ऐसे चमके, बिना बदरा के देता है। तू मुझे जेल से डराता है, मैं वहां 10 साल तक सरकार का जमाई बनकर रह चुका हूँ। अरे तू बुरा मान गया भैया, मैं तो मजाक कर रहा था जीवनलाल। अरे तू मेरा जवाई, सारे गांव का जवाई है भैया। भैया मैं तेरी घरवाली को बहन कहता हूँ कि नहीं, तू बोल, कहता हूँ कि नहीं। मैं चोरी करता हूँ, जेब काटता हूँ, लेकिन तू तू लोगों की गर्दनें काट कर खून चूसता है, सूदखोर भेड़िए। जीवनलाल, क्या होगी ये, जीवनलाल का बच्चा इस इलाके में कैसे रहे? अरे धर्मा, पुलिस तेरे बाबू को पकड़ के लिए जा रही है। Come on!
बच्चा। नीन जी ये क्या बचपना लगा रखा है? लाला जी ये कुत्ते का बच्चा। तुम किसके बच्चे हो? कैसी है चाची? भैया जी उन्होंने जो भी जुर्म आपके साथ किया मुझे उसका बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। बापू, ए बापू। भैया वैसे भी पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। पति जो भी पाप करे पुण्य करे पत्नी उसमें आधे की भागी होती है। मैं तो ये कहने आई हूँ कि उनके सारे पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए। आप मुझे माफ कर दीजिए ना। बापू चाची तुमसे बोल रही है। जानता हूँ। भैया मैं जानती हूँ आपके मन के क्या बीत रही है। मन की बात तो पीछे आती है, पहले तन की बात करो। हाय कैसे निर्दयी होकर मारा। तुम चुप रहो जी, तुमको बीच में बोलने कौन कहता है? क्यों ना बोले भैया, जितनी आपको लगी उससे ज्यादा इन्हें। और आप तो जानते हैं भैया उस घर के लिए सब कुछ मैं करती मरती हूँ। आपने जमीन की बात करनी थी तो उनके साथ क्यों की? आप मुझसे कहते, मेरे बेटे धर्मा से कहते। धर्मा? अरे उसे धर्मा नहीं अधर्मा को नहीं। मैं कहता हूँ लिख लो, अगर वो बाप से 10 जूते आगे न निकले तो ये मूछे काट कर तुम्हें दे दूंगा। बापू चाची आपकी मूछे लेके क्या करेगी? गौरी तू बहुत सर चट्टी जा रही है, जो मुंह में आए बक देती है। आप उसे समझे नहीं, मेरा धर्म ऐसा नहीं भैया। ऐसा नहीं तो कहो उससे कि जमीन बाप के नाम न करे। नहीं करेगा, इसका मैं वचन देती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। कर दीजिए ना बापू, इतनी मिन्नत कोई करे तो बुढ़ा भी ब्याह। एक तुम न होती भाभी तो मैं उन सबसे अलग अलग निपट लेता। तुम जब मेरे सामने आ खड़ी होती हो मेरी जबान ही नहीं खुलती है। हाँ चाची, इस घर में दो ही तो है जो नहीं बोलते, एक मैं और एक बापू, है ना बापू? चाची सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ बेटी, तुम लोग का दिया तो मैं कभी बिसरा नहीं सकती। लाला की बेटी गोरी पर विजय पानी है, उससे शादी करनी है। शादी करनी है हम दोनों को? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप को? चलो आओ, आओ। लेकिन बापू विजय तो राम ने पाई थी, मैं तो श्याम हूँ। बापू कहीं तुम महाभारत को रामायण में तो नहीं घुसेड़ रहे? अबे नहीं, मैं एक नया इतिहास लिख रहा हूँ। और कमीनों तुम्हें अपने साथ इस वास्ते ले जा रहा हूँ कि तुम दोनों में से एक का मुखड़ा तो पसंद आएगा। और सुनो, वहाँ जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना। नहीं बापू मैं उल्टी नहीं करूँगा, मैं सीधी करूँगा। हाँ बेटा, इस उल्टी सीधी के चक्कर में तुम्हारा बाप भी कुंवारा रह गया। बापू तुम कुंवारे? और बापू वो जो घर में बैठी है जिसे हम माँ पुकारते हैं वो क्या आपकी माँ? बापू शायद तुम भूल गए, तुमने हमारी माँ से शादी की थी। हाँ वो भी हमारी माता जी से। अबे गधो, शादी से पहले वो माँ कहाँ थी? हाँ अरे शादी से पहले भी कोई माँ होती है। हाँ ये भारत है, कोई विलायत थोड़ी है। और सुनो, जब जाकर मैं वहाँ तुम्हें इशारा करूँ तो लाला जी के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना। आज लाला के घर के अंदर क्या क्या मिठाइयाँ जा रही होंगी। बापू
ये मिठाई मेरे अंदर भी जाएगी? हाँ जाएगी बेटा जाएगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ खाने पीने को दे तो ऐसे ही हाथ मत फैला देना, अगर जोर लगाए तो दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कि हर चीज के दो नाम होते हैं, एक सीधा और एक संस्कृतिक। तुम संस्कृत में बात करना, जैसे कि हलवे को प्रसाद कहना, पानी को जल कहना और खीर को तस्मई तस्मई। आज जूते के तस्मे को मेरा सर, समझे? समझ गए बापू, पहले तो कोई बात हमारे बेजे में घुसती नहीं, और अगर घुस जाती है तो फिर निकलती नहीं। चलो चलो अब घर चलो। लेकिन मैं क्या ऐसे चलूंगा? अरे नहीं बेटा, जरा बंठन कर चलना, बंठन कर। अच्छा अच्छा, मैं अपने नाटक वाले कपड़े पहन के चलूं। शाबाश बेटा शाबाश, वही चलो बेटा चलो चलो चलो। लाला दशहरा मुबारक। मुबारक जीते। आइए आइए बैठिए। दशहरा की बधाई हो लाला। बधाई हो जी। विराजी लाला जी, आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने आया था। आज्ञा कीजिए भाई जी, आज्ञा कीजिए। धन्यवाद लाला जी, धन्यवाद। अरे अरे राम और श्याम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, लाला जी के चरण छुओ, इनका आशीर्वाद लो। अरे आओ मेरे बाप आओ। बापू तुमने तो कहा था इशारा करूंगा तब आना। बापू करो ना इशारा। लाला जी ये बड़े प्रेमी बालक है। राम और श्याम शांति शांति शांति। बैजी ये बालक दोपहर की औलाद है। लाला जी आप इन्हें जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। दिया। क्षमा 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 क्षमा। इन्हें कुछ खाने पीने के लिए पूछा? अरे भाई पहले इन लोगों के बैठने का तो इंतजाम करो। मुनीम जी कुछ मोड़ा उड़ा लाओ ना। बेटे लड्डू खाओगे? लड्डू? मैं तो लड्डू भी नहीं खाता। हाँ अगर कोई जबरदस्ती खिलाए तो बात दूसरी है। अरे मूर्ख बच्चों को लड्डू हजम नहीं होते, लड्डू हजम नहीं होते मूर्ख। भाई इन लोगों के लिए कुछ और लाओ ना मुनीम जी। तस्मई तस्मई। गोरी खीर भेजना बेटी जल्दी। अरे जल्दी मंगाओ नहीं तो ब्रह्म हत्या होने वाली है। बच्चों की हरकतों का कुछ बुरा मत मानिए। बातें कर रहे हैं बैज जी। अरे ये तो प्रेमी बालक है, प्रेमी बालक। बड़े प्रेमी बालक है, ऐसे बच्चे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। बड़े भाग्य से घर में ऐसे लड़के पैदा होते हैं। दो ही हैं। काफी है अलाजी जी। बात ये है कि मैं राम और श्याम के लिए कुछ बात करने आया था। बात यह है कि राम और श्याम की शादी के लिए आपसे कुछ सलाह लेनी थी। वो बात यह है कि अगर आप बड़ा शुभ समाचार है बैज जी, बड़ा ही शुभ समाचार है। वो जो आपकी गोरी है ना। शर्मा क्यों रहे हो? शक्कर कम है खीर में? क्या हुआ राम बेटे? क्या हुआ राम बेटा? खाओ खाओ खीर खाओ बेटा खाओ। शाबाश शाबाश, गर्म होगी। लाला जी बड़ा नटखट बालक है। राम राम राम।
लाला जी, मेरा राम राम नहीं रावण रावण निकल गया ओ, ओ शुक्र है। अबे बैठ के बच्चे जी, अभी और कुछ तमाशा बाकी है फिर हम बारात लेके कब आए? बारात कमीने जाता है या मैं पीछे जाता है? धर्मा मैं शहर जा रही हूँ। एकाएकी? हाँ, रवि को मिले, मेरा मतलब भैया जी को मिले, बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ, सो तो ठीक है। आप यहाँ पे थी डॉक्टर जी, तो बीमार होने में भी एक मजा था। देखिए ना, अब गांव के लोग आपकी कितनी पूजा करने लगे हैं। मेरा मतलब है कुछ ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार यहाँ पे आए तो फिर जाए नहीं। नहीं धर्मा, भला इस गाँव में अब मेरी क्या जरूरत? क्यों क्यों क्या हुआ? मेरा मतलब है कि जिस गाँव में राम और श्याम जैसे डॉक्टर हैं, वहाँ मेरा क्या काम? ये लो धर्मा, इसमें मैंने अपने शहर का पता लिख दिया है। वैसे तो माजी की तबीयत ठीक है, लेकिन भगवान ना करे कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो जरूर लिखना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे गोरी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही? अरे 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 अरे, अरे, अरे। कुछ तो बोल, आखिर बात क्या है? जाकर पूछ अपने उससे। किसे? उससे। किसे? उससे। उसे? अच्छा। ऐसे खुले जा रहे थे जैसे पानी में मिस्री। क्या बातें कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं, बस वो कह रही थी, कह रही थी तू मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाय राम, ऐसे कह दिया? बिल्कुल एकदम। हाँ हाँ, बात को घुमा फिरा के कहना कोई अच्छी बात है। बोल बोल। मुझे नहीं मालूम। तुमने क्या कहा? मैंने 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 मुझे क्या कहना, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया? कहा तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाय दैया। क्यों? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच बोलना कोई बुरी बात है? हाँ हाँ बोल बोल, उससे सच सच बोल और मुझसे छूट। उसे कोई सुर्ख आपके पर लगे हैं जो मुझे नहीं लगे? क्या बात करती हो तुम भी, देखा नहीं तुमने बात करने में कैसा लटका लेती है वो, सर को कैसे झटका देती है। बेशरम है बेशरम, शहर की छोकरी सब बेशरम होती है। अरे तुझे क्या पता है कि तू पढ़ी लिखी है? वो पढ़ी लिखी है और तू गांव का गवार, टिपरी टिपरी भाषा समझ में आएगी तेरे? क्यों, मुझे अंग्रेजी नहीं आती? छी, अंग्रेजी भाषा में भी कोई प्यार होता है क्या? अरे तुझे क्या पता है, अंग्रेजी में बड़ा फर्स्ट क्लास प्यार होता है, फर्स्ट क्लास। और देखना फिर प्यार ही थोड़ी सब कुछ है दुनिया में, घर को संभालना, बाल बच्चों को पालना पोसना, उनकी तालीम। तू ही बता, ये सब कुछ गांव की छोकरियों वोकरियों से कहां से होगा? चुप रहो, लाज शर्म सब बेच खाई है। वो औरत नहीं, मीठी छुरी है, मीठी छुरी ऐसे गला काटेगी कि मुंडी तेरी खाप दूल चाटेगी। दो दिन साथ रहकर तो देख, तब पता चलेगा तुझे। इधर मैं तुम्हें मिल रही थी, मुफ्त की नौकरानी, सेवा करती, खेत पर खाना ले जाती, जब तक कर घर वापस आते तो हाथ पर दबाती, तुम पर हुक्म तो नहीं चलाती। ठीक है, मेरा भी भगवान है, जहां किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। गौरी मत ले मेरा नाम। अरे मेरी बात तो सुन। छोड़ दे मुझे, जा उसी के पास। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू बुरा मान ली। सुनो, अरे तू रो रही? हाँ रो रही हूँ, तेरी बला से, तुझे इससे क्या? अरे पगली, प्यार तो मुझे तुझसे है, तेरी सौगन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं तेरे बिना रह सकती हूँ। गोरी, गोरी वापिस लौटो, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरे प्यार की कसम गोरी।
गोरी। हमको न यूं सताओ, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे, आ जाओ आ भी जाओ। प्यार का है बंधन जिसमें बंधे हैं हम तुम, ये प्यार का है बंधन जिसमें बंधे हैं हम तुम, किस्मत से जिंदगी में, किस्मत से जिंदगी में मिले हैं हम तुम, बिछड़ गए तो दो दिल उजड़ गए तो, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे, आ जाओ आ भी जाओ। इतना हमें बता दो तुम बिन जिए तो कैसे, इतना हमें बता दो तुम बिन जिए तो कैसे, घबरा के मर न जाए, घबरा के मर न जाए, रूठो न हमसे ऐसे, ऐसे हमें जला के कहीं हमसे दूर जाके, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे, आ जाओ आ भी जाओ, आ जाओ। पे बैठा था, मुझे तुझ पर बड़ी दया आई। क्यों? हाँ देखना, हाँ, बापू वैसे घर में नहीं है, मीना वैसे चली गई, मैं सारा दिन बाहर रहता हूँ, पीछे तेरा क्या होता होगा? आखिर तेरा मतलब क्या है रे? मेरा क्या मतलब होगा माँ,
मैं ये चाहता हूँ कि तू कोई ऐसा बंदोबस्त करे जिससे तेरा जी लगा रहे। मेरा जी के तेरा जी? मेरा जी? मेरे जी का क्या है माँ, मैं तो अपना जी कहीं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी मुझे फिक्र है तो तेरी। देखना तू सारे दिन घर पे बैठी रहती है बासी रोटी की तरह। मुझे तो बासी रोटी अच्छी लगती है। ओहो तू समझती नहीं माँ, देख तू नहीं चाहती कोई गोल गोल गोरी गोरी मेरा मतलब शक्ल दिखाई दे? मैं नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूँ ना माँ तेरे लिए। अरे मैं भी चाहती हूँ तुम जल्दी से शादी हो जाए। शादी? शादी मैं शादी करके क्या करूँगा? बोल 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 मैं क्या करूँ? मुझे तो तेरी फिक्र है, तू अपने लिए कोई बहू ले आना। अरे बहू तो मैं अपने मायके से कोई अच्छी सी लड़की लाऊंगी, पहाड़ की लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। ओ, ओ माँ तू भी बड़ी पेच है, देखा लड़की के लिए पहाड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत है। देखा जब मीना गई थी तू कितना रोई थी ना। तू चाहती है कि इस लड़की के माँ बाप भी रो, नहीं ना? इसलिए मैं कह रहा था कोई नजदीक में हो। देखा पल में मैके पल में ससुराल। अच्छा तो ठीक है, ये बनारसी है ना मिठाई वाला, उसकी लड़की भी जवान हो रही है। ओ, ओ, मा, फिर तीसरे मरने की बात की ना, वहां से थोड़ी इस तरफ कोई दिखाई नहीं देती। अरे साफ साफ कहना गोरी के लिए। गोरी? कौन सी गोरी? कौन सी गोरी? अच्छा वो गोरी मालिकराम वाली। वाह तू कहती है तो कर लेता हूँ, लेकिन माँ मालिक राम मान जाएगा? अरे मानेगा कैसे नहीं, मैं तो झोली फैला के उसे मान लूंगी। वो किसी और की इज्जत करे ना करे, मेरी बात कभी नहीं करे। मैं आज ही जाकर उससे बात करूंगी। लेकिन माँ इतनी जल्दी क्या है? मेरे भोले से बेटे मुझे जल्दी है। मुझे जल्दी है। शर्म नहीं आई तुझे बाप की इज्जत से खेलते हुए? अरे ये तो शुक्र है भगवान का कि भैंस जी ने देखा, कहीं गांव के किसी और ने देखा होता तो मैं क्या करता, किसे मुंह दिखाता? बोल। मैंने कोई पाप नहीं किया बापू। अरे ये दो हाथ की छोकरी आपको आंखें दिखाती है, अरे मुझे बाप और पुण्य की तमीज सिखाती है। अरे जानती उसका बाप कौन है? जमाना भर के झूठ। बाप के झूठ होने में बेटे का क्या दोष? जमुना जमुना भगवान के लिए इसे रोक ले, नहीं तो मैं इसकी जबान खींच लूंगा, इसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। लाला जी सुनिए, बैठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, अब आप जाइए। जमुना जरा पूछ इससे कि उस जीवन लाल के लड़के से इसे क्या लेना। अरे बोल भी क्यों नहीं, जान डाले क्या लेना आपसे तुझे? सब कुछ। गौरी लाज नहीं आती अपने बापू की ऐसी बातें करती हुए? इनको लाज नहीं आती बेटी से ये सब कुछ कहते हुए? ऐसी बात है, मैं सबको समझ लूंगा इसको भी और उन लोगों को। अरे दुहाई है जमुना, अरे जब जब वो चोर उचक्का जेल जाता था मैं गांव की इज्जत समझ कर उसकी जोरू को खाना खिलाता था, अरे उस सपोलिया धर्मा को दूध पिलाता था। असल उन्होंने दिया न मैंने सूद मांगा आप तक, और आज वही खेती उठकर बाहर को खाने आ रही है। मुनीम जी, लाला जी, अगले पिछले सब खाते निकालो, सूद का सूद डालो, कुटी के कागज निकालो, मैं ये मुकदमे चुका दूंगा, उस जीवन लाल के सारे खानदान को ही मिटा दूंगा। बापू अब बापू क्या, ये सब किया धरा तेरा है मर्दुई, नहीं तो तेरे बापू ऐसे दयालु? इन लोगों ने मेरा सबर देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। नहीं बापू नहीं। अरे दूर है, मैं उन्हें घर से बेघर बना दूंगा, ईंट से ईंट बना दूंगा। ये छोकरा जो मेरी छाती पर मुंह डालने आ रहा है, अगर भिखारी बना हुआ मेरे दरवाजे पर आया तो मैं बस धोखे। नहीं बापू, अरे घर से ना निकालिए, मैं आपके पैर सकती हूँ। मर गया तेरा बापू, तू नहीं जानती मैं किस मिट्टी का बना, काले का कांटा पानी मांगता मेरा कांटा नहीं। मैं उन लोगों को सड़क पर मैं सुला दूं, धूल मिट्टी में मिला दूं, तो मेरा नाम मालिक राम नहीं कालिक राम बोलना है। मुझे बोलोगे बापू, मुझे बोलोगे? आप मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी बापू, कभी नहीं जाऊंगी। सौगंध लेती है? मुझसे कहे कि भी सौगंध ले लो बापू। तो रख मेरे तन पर हाथ। मैं तो बड़ी आसें बड़ी प्यासें लेकर आई थी भैया, तुमने हमेशा मेरी पालना की है। एक टुकड़ा
बस एक टुकड़ा और फेंक दो मेरी झोली में। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ भाभी। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो अपने वश में नहीं रहते। अगर गोरी मानती है तो मुझे कोई वो नहीं। लो, अब तो सब बात तुम पे छोड़ दी बेटा। शर्माती है, यही है ना अपनी बहू बेटियों के रीत, मरती मर जाएंगी पर दिल की बात जबान पर ना लाएंगी। गोरी बेटा बोल ना अपने मन की बात। इससे क्या पूछना भैया, मैं जानती हूँ ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये तू क्या कह रही है? जन्मांतरती तू मेरी, मुझे तो किसी और का सपना भी नहीं आया। मेरा बेटा, अरे अभी तक तो तुम दोनों इकट्ठे खेले, इकट्ठी कसमें खाई। खेलने खिलाने की बात और होती है चाची, शादी ब्याह की बात और। तू अपना घर देख और फिर मेरा देख, आप ही बता। देखिए बुझे भी को लग की जहर खाएगी क्या? गोरी हाँ, और ऐसे नरक कुंड में जाएगी जहाँ चोरी चलती है, शराब चलती है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, ना कोई शर्म है। सुन लिया भाभी? सुन तो लिया पर नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। माँ माँ कुछ और बात हुई होगी। झूठ बोल सकता है, जबान झूठ बोल सकती है, मगर ये हाथ, इन हाथों में हाथ दिया है उसने, ये हाथ मजबूत। धर्मा सपना भी आया तो इतना छोटा सा।
लाला जी, वो ऐसे बाद नहीं आएगा जब तक उसे घर से बेघर नहीं करते। वो अपनी गोरी का पीछा नहीं छोड़ेगा, और अपनी गोरी वो तो नादान बच्ची है। जब तक उस लड़के के पेट पर हाथ नहीं डालोगे, खेत खलिहान नहीं छीनोगे, तुम बिरादरी में बदनामी से नहीं बच सकते। चाचा चाचा, ऐसा जुल्म मत करो। अभी तो मेरे बदन से मेहनत का पसीना भी नहीं सूखा, अभी तो बालियां भी नहीं हंसी। सोचो, जरा सोचो, हम साल भर क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे? मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे बेटा, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने के बदले अपनी इज्जत बेचो, अपनी करनी का फल खाओ। किसान की आह मत लो चाचा, तुम तो जानते हो, जो दूसरों के खेत जलाता है वो खुद ही अंधा हो जाता है। सोचो, कुछ तो दया करो, कुछ तो भगवान के कोप से डरो। अरे बहुत देखा है भगवान को, भगवान अगर देते वक्त तुम्हारा है तो लेते वक्त हमारा है। भगवान कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, कटाई शुरू करो। चलो, चलो। नहीं चाचा, नहीं चाचा, चाचा खबरदार, किसी ने मेरे खेत को हाथ लगा। अपनी वाली, अब जाओ अपने साथ सीमन लाल को बुला लिया है, और अगर जेल वाले उसे न छोड़े तो अपने भगवान को बुला लाओ फैसला करने। हटाओ ये सब। कुछ नहीं है दरवाजे, तू क्या करता है? फेंक रहा हूं बाहर इस बेकार पत्थर के टुकड़े को, जिसकी तू रात पूजा कर। छोड़ दे, छोड़ दे, इसे जन्म चले। ये पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। रे नहीं, भगवान है। जिस तरह इसने दुनिया के अन्याय के बाजू में जकड़ रखा, उस तरह मैंने इसे पकड़ रखा। हिम्मत आए तो छूट कर जाए, दिखाए कोई विराट मत कर निरादरी, इस भगवान की दर इसके तोप से। रे बेटा, पहले ही न जाने कौन से पाप की सजा भुगत रहे हैं। क्या बात किया हमने, यही ना कि साल भर मेहनत मैं करता रहा, तुम भी करती रही, और अपने पसीने को भी वही रंग दिया जो अपने खून का है। तब जाके पीठ में से कोपल फूटी, कोपल में बाली आई, बाली में दाने, और जब हरियाली आंखों में लहराने लगी, आशा लौट कर आई, तब उस कमीने मालिक राम को भेज दिया तेरे इस भगवान ने हमारी खड़ी खेती पर कब्जा करने के लिए। हाय, मैं मर गई। खेती पर कब्जा कर लिया मालिक राम ने। ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी है, जिसने जन्म दिया है वो रोटी भी देगा। ये बातें हैं मां, जो संसार की सब भूखे रंगे करते हैं, ये तो भगवान कुछ नहीं करेगा, ये इसी तरह बैठा रहेगा मंदिर में। धर्म मैं न जानती थी, तो इतना अधर्म हो जाएगा। रे मां, जब हम भूखे मर रहे होंगे ना, तो ये दूध और पानी में नहाएगा, रबड़ी और मिठाई में भोग लगाएगा, और पीटर पीटर देखेगा मालिक, और तब कोई मालिक राम सा आएगा, इसकी आंखों में नीलम लगाएगा, पत्थर पे पत्थर चलाएगा, इसे और अंधा कर जाएगा। हाय माँ। हाँ माँ, आजकल भगवान भी रिश्वत लेने का आदी हो गया है। नहीं तो बता, तेरे पति के जुल्म और सौकार के अन्याय के सर इसने दिया क्या है तुझे? मुझे तो सब कुछ दिया है पापी, तू ही नहीं जानता। तो बता, बता क्या दिया, क्या दिया उसने? तुझे दिया है। माँ, मुझे माफ कर दे। धर्मा, धर्मा बेटा, जरा आराम आराम से बेटे, तू तो ऐसा कर रहा है जैसे आज बोलेगा और कल काट लेगा। तुझे जमीन के चले जाने का दुख है पगले, तू ये क्यों भूलता है, ये जमीन भी तो तेरी है। अरे तूने ही तो लाला के हाथों से बचाई थी। है,
धर्मा बेटा, किसान पर कब मुसीबत नहीं आती। बाढ़ ना आए तो सूखा पड़ जाता है, सूखा ना पड़े तो साहूकार ले जाता है। परमात्मा उसे इसी बात की सजा देते हैं ना कि वो दुनिया का पेट पालता है। तुम्हारे बापू भी आए हैं। तुम सब के सब मेरे दुश्मन हो। लफंगे छोकरे के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश करते हो। मैं कहता हूँ घर में कुछ नहीं है तो इतने दिनों कैसे चला मेरे बिना। हाय जी, इतने महीनों के बाद आए हो और बरसने भी लगे। जरा सी आंखें तो सहलाने दो, तुम्हारा रास्ता देखते देखते पक गई। बंद करो ये बकवास। मैं कहता हूँ पैसे निकालो, पैसे निकालो। मैं तो पहले ही मरी हुई हूँ। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। घर में कुछ ही तो नहीं रहा बेच डालने को। राम राम बाबू, राम राम। कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है। बाबू, मैं अपनी मंगला अपने कामधेनु को बेचने नहीं दूंगा। चल चल, तू कौन होता मुझे रोकने वाला। मैंने इसे खरीदा है, इस पटवार कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं, ना शुक्रे का पूत। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, जानवर से इंसान बनाया। हट जा। तुमने क्या इंसान बना, जो खुद ही हट जा। मैं कहता हूँ रोक ले अपने पिल्ले को, नहीं तो मैं आज इसका खून कर दूंगा। मैं इसका सुन तो कुछ नहीं है घर में। मुझे इस हराम खोर से हिसाब चुकाना है। आज फैसला हो जाए तो अच्छा है। धर्मा, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप को आगे दिखाते हुए? देखती नहीं कि कल माँ को पीठ बाजार में बेचने जा रहा। ये मेरा बाप नहीं, दूसरे कसाई है। वो मेरा पति, तू ही मेरा बेटा नहीं। और अगर तुझसे तो कोई सील पत्थर जान देती तो अच्छा था। मां चुप रे। अरे खबरदार, मुझे माँ के नाम से पुकारा तू। चला जा यहाँ से, निकल जा। आज से मैं तेरे लिए मर गई और तू मेरे लिए मर गया। मैं तो प्रार्थना भी करूंगी तुझे ही कि अगले जन्म में मेरे पति हो तो ये, पर तू ना मेरी कोख में जन्म ले भगवान करे से। हाँ हाँ, सुन लिया तेरे भगवान ने। चला जा, मैं क्या डरती हूँ। हाँ, अच्छा हुआ चला गया, मैं क्या इसका दिया खाती हूँ। मंदिर से आ रही हो? वहां तो भगवान से आंखें चार की होंगी, कुछ तो पूछा होगा उन्होंने, किसी के वादे की याद तो दिलाई होगी। वो जानते हैं सच्चा कौन है और झूठा कौन है। झूठा तो मैं हूं, इसलिए तो गांव छोड़ के जा रहा हूं। सोचता हूं शुक्रिया अदा करता जाऊं उन गालियों को जो तुमने मुझे दी है। और वो आखिर की गाली सबसे बड़ी गाली है। मैंने तुम्हें कोई गाली नहीं दी। तो फिर किसने दी? खैर, खत्म हो गए सब झगड़े झमेले। अब तुमसे कोई लड़ने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काटेगा। तो सोनिया शर्मा यहीं पर रहती हैं? जी हाँ, यहीं रहती हैं। आइए, मैं उन्हें अभी भेज दूँ।
शर्मा। नमस्ते डॉक्टर जी। तुम यहाँ कैसे? माँ जी तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, मैं ही कुछ रोगी हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? आओ ना बैठो ना। अरे अरे इन्हें पहले रखो, आओ। कहो क्या बात है? अब क्या बताऊं डॉक्टर जी, आप तो बापू को जानती हैं ना। घर भर तो बेच खाया, एक फसल रहती थी वो लाला ने कर्जे में हत्या ली। गांव में कुछ काम वाम ना रहा, शहर चलाया नौकरी की तलाश में। नौकरी? तुम्हारे जैसे मेहनत और ईमानदार आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी? भैया अभी बाहर से आए हैं, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। दूसरा भर के ले आओ। जी तुम कौन हो? जी मेरा नाम धर्मा है। धर्मा? तुम वही तो नहीं एक औरत को भगाने के सिलसिले में जैसे 3 साल की कैद हुई थी? जी नहीं, मैं तो आज ही गांव से छूट के आया हूँ अकेला। क्या मतलब, झगड़ा कर लिया उससे? आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 बच्चे के बाप होकर तुम 3 बच्चों के बाप, चौथा भी पैदा कर दिया जी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या है तुम्हारी बात सुनो। अच्छा तो आप शंकर की बात कर रहे हैं? ये शंकर कौन? वही जिसके 6 बच्चे हैं और अभी तक कुंवारा है। कुंवारा और फिर 6 बच्चों का बाप, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? डॉक्टर जी। ओहो भैया, आपके दिमाग में तो 24 घंटे मुकदमे घुसते रहते हैं। ये तो धर्मा है, धर्मा बलरामपुर से आया है। धर्मा ये वही है जिसके दिन रात तो राग लाती रहती है? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तूने जो गुण बताए थे उससे तो ऐसा लगता था कि कोई बुड्ढा आदमी होगा। अच्छा भला तो बताया था। अच्छा। भैया अभी आपको इनके लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करना होगा। हाँ, क्यों नहीं, श्योर श्योर। आप लोग बैठिए, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अच्छा बैठो शंकर। शंकर नहीं धर्मा, शंकर तो 6 बच्चों का बाप है। बैठो बैठो। अच्छा अब तुम आ गए हो तो किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाहर आउट हाउस में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देते हैं। रही नौकरी की बात, हाँ मेरी पहचान का एक आदमी है, उसके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ, समझो नौकरी मिली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आ गए धर्मा? हाँ डॉक्टर जी। बड़ी देर लगा दी आज? वो माँ को मनी ऑर्डर करने चला गया था इसलिए जरा सी देर हो गई। भूख लगी? मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। बस बस डॉक्टर जी, इसके आगे मत बोलिएगा, ये सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं मुआ दो। हाँ धर्मा। उधर सोनो। जी भैया। तुम्हें क्या दिलचस्पी है उसमें? वो ही भैया जो एक इंसान को दूसरे इंसान से होती है। सिर्फ वही? मैं उसे कुछ मांगती तो नहीं भैया, धर्मा बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। और गांव वालों को? जी तुम जिस बड़े मकसद से गांव गई थी वो तो याद है? मैं भूली तो नहीं हूं। भूलना भी नहीं चाहिए। कब जा रही हो तुम? हाँ भैया मैं भी यही सोच रहा था, आप गांव कब जा रही हैं डॉक्टर जी? मैं
मैं कल सुबह चली जाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। गांव पहुंचते चिट्ठी लिखिएगा, माँ कैसी है, मीना का क्या हाल है और गोरी का क्या हो रहा। जरूर। शहर से वापस आई है इसलिए मिलने चली। कितना प्यारा रेडियो है, शहर में कितनी प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं। मैं कभी शहर नहीं गई, सुना है शहर बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े खेल होते हैं। दादी जी एक बात बताइए। पूछो। सुना है वहाँ की लड़कियाँ सचमुच सीसे के कपड़े पहनती हैं, बड़ी प्यारी लगती होंगी। तभी तो एक बार जो गांव से शहर जाता है फिर वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया गौरी? किसके साथ? जिसके बारे में तुम दरअसल पूछने आई थी, धर्मा। वो तुम इतनी प्यारी इतनी भोली लड़की हो, क्यों उसे इतना प्यार देकर आंखें फेर ली तुमने? नहीं नहीं ये झूठ है। सच बताओ, झूठ उस वक्त था या अब? वो भी सच था ये भी सच है। जब मुझसे बाबू ने कहा अगर मैं धर्मा से मिली तो वो उसे घर से बेघर कर देंगे, तभी मैंने चाची से कह दिया कि मुझे धर्मा से कोई मतलब नहीं। उस पर भी बाबू ने उनकी खेती पर कब्जा कर दिया। अब तुम्हें पता बापू की करनी में मेरा क्या दोष? मेरे लिए तो धर्मा अभी भी दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात है। चाची बेटी, मैं ना जानती थी वो बलि तुम्हें हमारे लिए थी। जब भी मैं कहती थी ऐसा नहीं हो सकता, और आज तेरी बातें सुनकर मैं धन्य हो गई। अब तो फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे हो जाएगा चाची? बापू तो मेरा ब्याह कहीं और करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो तुम्हारा ब्याह कहीं और करा दे मैं धर्मा को लिख दूंगी। हाँ एक बार वो आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी सब ठीक हो जाएगा। मीना कैसी है माजी? अरे मीना के लिए ही तो आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटी, हर वक्त अपने भाई को याद कर करके रोती रहती है। जब तुम चिट्ठी लिखोगी ना तो लिखना जल्दी घर आ जाए। जरूर माजी। और गौरी चिंता मत करो, मैं धर्मा को बहुत जल्दी बुला दूंगी। माँ प्रणाम, आशा है आप और मीना अच्छी होंगी। मैं रविवार शाम को 5 बजे पहुंचूंगा। मुझे जानकर खुशी हुई कि आखिर गौरी ने यह बात मान ली कि मुझसे प्यार करती है। साथ ही माँ ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि बापू वो पैसा भी खा गए जो मैं घर मनी ऑर्डर करता रहा। उनके पाप की तो हद हो गई। गांव पहुंचकर मैं बापू का फैसला ही कर दूंगा, इधर या उधर। तुम्हारा बेटा धर्मा। दारोगा जी ये फिर गुंडागर्दी पे उतर आया, जब भी जहां भी मिलता है धमकी देता रहता है। दारोगा साहब अपना हक मांगना गुंडागर्दी है क्या? 6,000 की फसल के इसने 2,000 रुपये दिए हैं, बाकी 4,000 रुपये का इसका बाप देगा। मुझ भलो जीवनलाल। देख लिया आपने, बाप दादा से इधर तो बात ही नहीं करता, भूल जाता है तो बस एक बात कि इसकी जमीन मकान सब मेरे पास है। दारोगा जी इसकी घरवाली हमेशा मुझसे पैसे लेकर जाती रही, इसका पेट पालती रही या खुद भी खाती रही। दारोगा जी ये जिंदगी भर लगा रहेगा तो भी मेरा कर्जा नहीं। अरे जब ब्याज मूल से ज्यादा हो तो कर्जा कैसे दिया जाएगा? हमने जो कुछ से लिया उससे कहीं ज्यादा दे चुके हैं। ये बात है, अच्छी बात है जीवन लाल, मैं समझ लूंगा। अभी तो फसल ली है, अब खेत और मकान भी लूंगा, खुद कचहरी चढ़ूंगा, बच्चों तुझे भी चढ़ाऊंगा, तुझे और तेरे बाल बच्चों को सड़क पर बिठा दूंगा। भीख क्या बोला दारोगा जी? दारोगा जी देख लीजिए आपके सारे सामने धमकी देने लगे। खबरदार, अगर आइंदा कोई तुम्हारी शिकायत आई या तुम उनके घर के आसपास ही दिखाई दिए तो हवालात में बंद कर दूंगा। जाओ तुम अब जा सकते हो। जा रहा हूं। जा रहा हूं। अभी लाला जी दारोगा जी मुझसे उलझने चला।
पिछली बार तो बच्चू सिर्फ 4 महीने के लिए गए थे। इस दफा अगर सारी उम्र के लिए नहीं भिजवाया तो मेरा नाम मालिक राम नहीं, मालिक राम। मैंने भी तेरे मुंह पर कालक न मल दी तो मेरा नाम भी जीवन लाल नहीं। जा रहा है ना, उसको बोलना जल्दी से मेरे पैसे भिजवा दे, समझा ना। ओ मौसी। हाँ। अरे बस तो आ चुकी, धर्मा तो कब का घर चला गया। अरे अरे, मैं तो मीना को अस्पताल छोड़ने चली गई थी, इसीलिए देरी हो गई। कैसा लग रहा था मेरा धर्मा? ओ बहुत फर्स्ट क्लास मौसी, जल्दी जाओ, धर्मा घर गया। जीवनलाल को एक कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया, क्या तुम अपना यह इल्जाम कबूल करते हो? जी हाँ। यह तो होना ही था, जीवनलाल के पाप का प्याला एक दिन भरना ही था, एक दिन तो छलकना ही था। अरे हाँ भाई, मगर बाप कैसा ही पापी हो, कैसा ही अपराधी, यही तो मैं कहती हूँ दुनिया में परलाई आने वाली है। आगोश, तुम्हारी तरफ से कोई सफाई का वकील है धर्मचंद? जी नहीं। अगर किसी मजबूरी की वजह से तुम अपना वकील पेश नहीं कर सकते तो अदालत तुम्हारी मदद कर सकती है। जी नहीं, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन अपना गवाह पेश करो। जब मैंने अपना दोष मान लिया है तो फिर गवाहों की क्या जरूरत? मुल्जिम के कसूर मान लेने से अदालत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती धर्मचंद। यस मिस्टर कॉल। अब मैं अदालत से दरखास्त करता हूं इस मुकदमे की सबसे जरूरी गवाह मकतूल की पत्नी श्रीमती सीता देवी को बुलाया जाए। इजाजत है। सीता देवी देवा जीवनलाल। गीता पर हाथ रखकर कहिए, मैं भगवान को साक्षी जानकर जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। गीता से गीता की सौगंध ले रहे हैं? मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। सीता देवी, क्या यह सच है कि आपके पति एक बचलन आदमी थे? जज साहब, मैं आपसे विनती करता हूं मेरी देवी मां से ऐसे सवाल ना किए जाए, वो मर जाएगी। इसने अपने पति का सिर्फ एक ही रूप देखा है, परमात्मा का रूप, दूसरा कोई था भी इसे दिखाई न दिया। मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर कि बाप की बदचलनी की वजह से बेटे की उससे पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। बयान जारी रहे। सीता देवी, क्या यह दुरुस्त है कि चंद ही महीने पहले बेटे और बाप में ठन गई थी? बेटे ने बाप को मारने के लिए लठ उठा लिया था और फिर आपने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया था। आपको किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सीता देवी, मगर इस बात को ना भूलिए कि इंसाफ पति पत्नी बाप और बेटे के रिश्ते से भी बड़ा। इस न्याय के सिलसिले में आप अदालत की मदद कीजिए। न्याय वालो, बेटे ने जो बाप का घात किया
उसका न्याय तो कर रहे हो, पर मां के हाथों बेटे का जो घात करवा रहे हो उसका न्याय, उसका न्याय। आप एक मां हैं तो पत्नी भी, सीता देवी। हमारे यहां जितने धर्म है, पतिव्रत धर्म स्त्री के लिए सबसे बड़ा। अगर आप बराह रास्त कोई बात नहीं बता सकती तो उसकी तरफ इशारा तो कर सकती हैं जिसने आपके पति का घात किया। बताइए सीता देवी, बताइए किसने आपके पति का कत्ल किया? जवाब दीजिए सीता देवी, किसने आपकी मां का संदूर पहुंच डाला? अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। कत्ल की वारदातें तो होती रहती हैं योर ऑनर, लेकिन एक बात जो इस मुकदमे को नहायत संगीन और घिनौना बनाती है वो है बेटे के हाथों बाप का कत्ल। बाप का हमारी सभ्यता में क्या दर्जा है इसे बताने की जरूरत नहीं। इसकी दलील तो उस परमात्मा तक पहुंचती है जो हम सबका बाप है, हम सबका पिता है। चुनाचे योर ऑनर, 10 सितंबर की शाम को मुलजिम धर्मचंद ने अपने बाप ही को नहीं खुद भगवान को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मैं इस अदालती कार्रवाई में दखल देने की माफी चाहता हूं। मेरा नाम रवि शर्मा। योर ऑनर, मैं इस केस में सफाई के वकील की हैसियत से पेश होना चाहता हूं। जज साहब, मुझे सफाई नहीं चाहिए। मेरे कब्जे में कुछ ऐसे सबूत आए हैं योर ऑनर जिनसे मुलजिम के बेकसूर होने का पता चलता है, लेकिन किसी खास वजह से वो अपने आप को इस कत्ल का जिम्मेदार समझता है। भाई साहब, शायद आप ये नहीं जानते कि आप मुझे बचाकर मुझे मारने से भी ज्यादा कष्ट देंगे। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। अभी अभी मुलजिम ने कहा कि आप मुझे बचाकर मारने से भी ज्यादा कष्ट देंगे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि ये आदमी इंसाफ और कानून की हदों से गुजर कर खुदकुशी करना चाहता है, और ये कानून की नजर में उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि कत्ल। योर ऑनर, मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी और हम फैसले की मंजिल तक पहुंच चुके। मुलजिम तहरीरी तौर पर अपना जुर्म कबूल कर चुका है, इसलिए योर ऑनर, आप कानून के इस मामूली नुक्ते को तो जानते ही होंगे कि किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूरी का सवाल ही नहीं पैदा होता मिस्टर शर्मा। केस के शुरू से आखिर तक मुलजिम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया। लेकिन योर ऑनर, दबाव हालात का भी तो हो सकता है। मुलजिम अपनी कुर्बानी के जज्बे और अपनी ईमानदारी को इस हद तक ले गया है योर ऑनर कि वो बेईमानी हो गई है। भैया, योर ऑनर, हक और इंसाफ के नाम पर मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुझे इस शख्स के लिए सफाई पेश करने की इजाजत दी जाए। आप सफाई पेश कीजिए मिस्टर शर्मा। थैंक यू योर ऑनर। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले इंस्पेक्टर नाथ थाना बलरामपुर को बुलवाया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर नाथ थाना बलरामपुर। इंस्पेक्टर नाथ, आप पुलिस में कब से नौकरी कर रहे हैं? जी, अरसा 15 साल से। जेरे बहस मुकदमे की तफ्तीश आपने की? जी हाँ। तफ्तीश के क्या माने हैं आप समझते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर शर्मा एक तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं मिस्टर कॉल, बेइज्जती कर रहा हूं इसलिए कि 15 साल के तजुर्बे के बावजूद इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं जानते। सिर्फ चंद लोगों के कहने से इन्होंने इस बात को सच मान लिया कि कत्ल मुलजिम धर्मचंद ने किया। मुझे इनसे पूछना है योर ऑनर के इनके गवाहों की लंबी फहरिस्त में कि एक भी ऐसा गवाह है जिसने अपनी आंखों से मुलजिम को मकतूर पर कुल्हाड़ी उठाते या वार करते हुए देखा है। क्योंकि इस वाकया से पहले और बाद में मुलजिम के सिवा और कोई मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि ये कत्ल मुलजिम के सिवा किसी और ने नहीं किया। योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मुलजिम के घर पहुंचने और कत्ल होने के बीच बहुत सी ऐसी बातें हुई जिन्हें ना तो इंस्पेक्टर नाथ ने जाने की कोशिश की और ना ही मेरे लर्नेड फ्रेंड मिस्टर कॉल। योर ऑनर, ये तो एक अनपढ़ गवार और अंधा आदमी भी जानता है कि मुकदमे को पेश करने से पहले इस्तगासा के लिए ना सिर्फ जरूरी बल्कि लाजमी है कि तमाम वाकयात और हालात की मुकम्मल तौर पर छानबीन कर ली जाए। इसलिए मिस्टर शर्मा, आप किन वाकयात और हालात की बात कर रहे हैं?
मसलन मुल्जिम को अपने ही घर में दरवाजा तोड़कर दाखिल होने की क्या जरूरत थी? यही के बदले किया। मिस्टर कॉल, आदमी बदले की आग में चाहे कितना भी जला भुना आया हो, उस वक्त तक दरवाजा नहीं तोड़ता जब तक उसे तोड़ने की कोई अहम वजह ना हो। योर ऑनर, समझ में नहीं आया कि वकील सफाई कहना क्या चाहते? वही जो मेरे काबिल दोस्त समझ तो गए हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। उस वक्त अंदर जरूर कोई ऐसी वारदात हो रही होगी जिसे देखकर कोई भी आदमी कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। आप इशारे के बजाय खुले अल्फाज में बयान कीजिए मिस्टर शर्मा। योर ऑनर, कत्ल के वक्त उस कमरे के अंदर मकतूल के साथ मुल्जिम नहीं बल्कि कोई और मौजूद था। कौन था? वही जिसका जिक्र उस चिट्ठी में आता है, जो अंधे की रेवड़ी की तरह पुलिस और इस्तगासा के हाथ लग गई लेकिन किसी नामालूम वजह से उन्होंने उसका जिक्र तक अदालत में नहीं किया। इसलिए नहीं किया योर ऑनर कि उस शख्स का इस कत्ल के वाकया से कोई ताल्लुक नहीं। ना सिर्फ ताल्लुक है योर ऑनर, बल्कि वही इस कत्ल की बुनियाद है। कत्ल के वक्त कमरे में एक लड़की मौजूद थी योर ऑनर, जिसका नाम है गौरी। हो सकता है जीवनलाल का कत्ल इसी लड़की गौरी ने किया हो, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि गौरी वल्द मालिक राम को गवाह की हैसियत से अदालत में समन किया जाए। अगली पेशी पर गौरी को हाजिर किया जाए। कहिए, मैं भगवान को साक्षी जानकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। गौरी देवी, आप मुल्जिम धर्मचंद से प्यार करती हैं? जी जी नहीं। कभी करती थी? जी नहीं। एक बात बताइए, इस मुकदमे में गांव के सभी लोग आते रहे हैं, आपके लिए बताइए गौरी देवी, आप क्यों नहीं आई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का जवाब देना गवाह के लिए जरूरी नहीं। जरूरी है योर ऑनर, मैं इस सवाल से खास बात पर रोशनी डालना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। गौरी देवी, कत्ल के एक आध घंटे पहले आप कहां थी? घर में। जिस वक्त आपको पता चला कि मुल्जिम ने अपने पिता का घात किया है, उस वक्त आप कहां थे? वही घर में। इस पॉइंट को नोट किया जाए यार ऑनर, ऐसे घिनौने वाकये की खबर सुनकर जब गांव के सभी लोग भागे, ये घर में बैठी थी। मैं डर गई थी। किससे? मुल्जिम से या इसकी कोई और वजह थी? अच्छा गौरी देवी, क्या ये सच नहीं जब डॉक्टर सोनिया मुल्जिम की चिट्ठी पढ़ रही थी, आप भी उस वक्त उस घर में मौजूद थी? जी नहीं। क्या ये भी गलत है कि आपने मुल्जिम की बहन मीना से कहा था कि आप शाम को 5 बजे मुल्जिम के घर पहुंचेंगे? इस पायल को पहचानती हैं आप? आपने गीता के सौगंध दिया, क्या आप कह सकती हैं ये आपका नहीं? जी हाँ, ये पायल मेरा नहीं है। क्या ये भी आपका नहीं? ये आपको कहां से मिला? मैं पूछा हूं, ये आपके बदन का कपड़ा है या नहीं? नहीं। अभी अभी आपने पूछा आपको कहां से मिला और अब आप इनकार कर रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं गौरी देवी, ये आप ही के बदन का कपड़ा है। इसके फट जाने की वजह? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब मालूम है, आप सब कुछ जानती हैं। भाई साहब, आप चुप रहिए धर्मचंद जी। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए, गवाह गौरी देवी का बयान झूठ झूठ और झूठ का पुलिंदा। इनके मुल्जिम के साथ जो ताल्लुकात है उसे बलरामपुर का बच्चा बच्चा वहां के पेड़ पौधे तक जानते हैं। मुल्जिम की शहर से लिखी हुई चिट्ठी का पहला हिस्सा इस बात पर तस्दीक की मोहर लगाता है। आशा है आप और मीना अच्छी होंगी, मैं रविवार शाम को 5 बजे पहुंचूंगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आखिर गौरी ने यह बात मान ली कि वो मुझसे प्यार करती है। योर ऑनर, इस खत से साफ जाहिर होता है कि गौरी और धर्मचंद में गहरा प्रेम था। इसके अलावा मेरे पास और भी कई सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि खून के वक्त गौरी धर्मचंद के घर में मौजूद थी।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बहस बिल्कुल बेमायने है। आखिर मिस्टर शर्मा साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि जीवनलाल का खून धर्मचंद ने नहीं गौरी देवी ने किया है। ये झूठ है, ये सच है योर ऑनर। योर ऑनर, जीवनलाल और गौरी के पाप का पुराना बैर था। जीवनलाल गौरी और धर्मचंद के प्रेम का सबसे जहरीला कांटा था। नहीं, 10 सितंबर की शाम को गौरी धर्मचंद को मिलने उसके घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा जीवनलाल नशे में धुत था। उसे देखकर गौरी की आंखों में खून उतर आया। जीवनलाल गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। गौरी उस पर लपकी और उसी कश्मकश में योर ऑनर ये ब्लाउज फटा और ये पायल टूटी। ये झूठ है। उसके बाद योर ऑनर, इस औरत ने इसी कुल्हाड़ी से अपने प्यार के दुश्मन को, अपने घर के दुश्मन को, अपनी जिंदगी के दुश्मन जीवनलाल को हमेशा हमेशा के लिए। ये सब झूठ है, ये सब सच है योर ऑनर। जब ये सब कुछ हो रहा था धर्मचंद वहां मौजूद नहीं था। मैं था। खून के वक्त नहीं, जब ये वहां पहुंचा जीवनलाल मर चुका था और कुल्हाड़ी गौरी के हाथ में थी। इसलिए गौरी को वहां से भगा दिया योर ऑनर। और प्रेम के खातिर इस आदमी ने खून का इल्जाम। नहीं नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। जज साहब, मैं आपको बतलाता हूं, भाई साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। इन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मेरा कोई नहीं था, लेकिन आज आज एक निर्दोष लड़की के गले में फांसी का फंदा डाल के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन इनका भी कोई दोष नहीं। खून में एक बात तो होती है जिसे देखकर हर आदमी अपने बस में नहीं रहता, पति का खून, फिर बेटे के हाथों उसका खून जिसका वो आप ही खून है। कुछ लोगों ने मुझे घर में जाते हुए देखा और कुछ ने उस वक्त जब मैं हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो खड़ा था। और आज भाई साहब ने यह भी साबित कर दिया कि गौरी भी उस वक्त वहां थी। चाची, चाची, मालक, मैंने भी तेरे मुंह पर कालक न मल दी, मेरा नाम भी जीवन लाल नहीं। मुझे जेल भिजवाने वाले सुनखोर भेड़िए की छोड़ ली। मैंने कहा था मैं तुम्हारे सारे खानदान से बदला लूंगा।
बाबू, तू मेरा फैसला करेगा, फैसला तो मैं आज तेरा करूंगा। गोरी, तूने कुछ नहीं देखा, तू इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे वचन दे कि किसी से कुछ नहीं कहेगी। धर्मा, तुझे मेरे प्यार की कसम है गोरी, मुझे वचन दे, हमारी इज्जत गोरी, गोरी तू जा, गोरी तू जा, यहाँ से नहीं गोरी, गोरी तू जा, जा गोरी। पापू, पापू, मैं नहीं जानता था मालिक राम की बेटी तुझसे प्यार कर। एक दिन वो इस घर की बहू, धर्म अपनी मां से मेरा ये पाप न कहना, उसने सब कुछ सहा है लेकिन वो ये सहन नहीं कर सकेगी। बेटा मुझे वचन दे, वचन दे मुझे, तुझे किसी से नहीं करना, किसी से नहीं करना। मैं वचन देता हूँ बापू, किसी से नहीं करना। धर्म, मैंने उसे आज तक अपनी पत्नी नहीं माना, तुझे मैंने आज तक कभी अपना बेटा नहीं कहा। मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना बेटा। इस औरत की तरफ देखिए जज साहब, मेरी माँ, मेरी रानी माँ, मेरी देवी माँ, जिसने जिंदगी में दुख दुख और दुख के सिवा कुछ भी तो नहीं देखा, जो मुड़ मुड़ के उन्हीं हाथों को दुआ देती, चूमती थी जो उसे मारते थे, और वो ये समझती रही कि अपने सत्य और धर्म से घर भर की लाज बचाई बैठी। उस मां के सामने अगर मैं सच बोल देता जज साहब, तो कितना बड़ा झूठ होता। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता जज साहब, अदालत मकतूल जीवन लाल की मौत को हादसा करार देकर मुलजिम धर्मचंद को रिहा करती। अब मैं तुझे क्या कहूँ बेटा? माँ, बेटा, देखो, विधवा तो मैं हो ही गई थी, बेटे को बेदोषी ठहराकर बेगति भी मर रही थी। बेटा, तुमने इसे जिंदगी दी, मुझे जिंदगी दी, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? नहीं भाई, धन्यवाद तो इसे दीजिए, ग्राम सुधार का सबसे बड़ा काम तो इसने किया। भाभी, हमेशा तुम मुझसे मांगती थी, आज मैं तुमसे मांगता हूं, तुम्हारा धर्म। लेकिन भाभी, सूद नहीं लगाना, देखो मैंने अपना सूद भी छोड़ दिया और असल भी छोड़ दिया।
दे। आज पहना दे बाहों के हार, दिया धरती ने 16 सिंगार।